अरब सागर से तटीय सीमा बनाते हुए पश्चिम भारत के राज्य गुजरात की कुल जनसंख्या का लगभग 15% हिस्सा आदिवासियों का है। इन आदिवासियों में राठवा, भील, चौधरा, बासवा, पावरा, धनका, तड़वी और गमता आदि प्रमुख हैं। समाज की मुख्य धारा के हाशिए पर सदियों से जी रहे इन आदिवासियों की जीवन शैली में धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का असर काफी हद तक उनकी जनजातीय पहचान को निर्धारित करता है। ऊपर से देखने पर उनकी जीवन शैली में अनगढ़ता से लेकर अंधविश्वास तक की गहरी बैठ सकती है, पर दरअसल उनके धर्म धर्मों से लेकर आध्यात्मिक विश्वास उनके लिखितीय इतिहास की पूरी रचना है, जिसमें भी अपने सामाजिक आदिवासी जनजीवन के चटक रंग है। पर हकीकत को नजदीक से देखें तो कहानी कुछ और ही है। उल्लास और उमंग के क्षण आदिवासी जनजीवन के चटक रंग है। पर हकीकत को नजदीक से देखें तो कहानी कुछ और ही है। सिमटते या लुप्त हो रहे वन और वनों से आदिवासियों के रिश्ते में आए बदलाव ने उन्हें अस्तित्व रक्षा के संघर्ष के एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है, जहां प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, जीविका का आधार बदलने की मजबूरी है और ये संक्रमण अनियोजित है। जंगल से दर बदर हो गए आदिवासियों के जीवन में पेड़ अभी भी उनके जीविकोपार्जन में कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं। लघु वन उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा अब भी आदिवासियों के आर्थिक आधार के रूप में जीवित है। पेड़ों से आदिवासियों का जुड़ाव न सिर्फ आजीविका के पारंपरिक अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश है, बल्कि प्रकृति और मानव के आंतरिक संबंधों की निरंतरता भी है। बदलते हुए वनस्पतिक समीकरण ने आदिवासियों को कृषि की ओर प्रेरित किया है। समुचित तकनीक की जानकारी और कृषि संबंधी सूचनाओं के अभाव में उपज इतनी भी नहीं हो पाती कि परिवार का सही ढंग से पालन पोषण वो कर सके। नतीजे के तौर पर बड़ी संख्या में ये आदिवासी मजदूरी की तलाश में दूर दूर तक जाने के लिए मजबूर हैं। विकासोन्मुख कार्यक्रमों का जोर कृषि की गुणवत्ता बढ़ाने एवं आधारभूत सुविधाएं जुटाने पर है और इस क्रम में जल संसाधन का प्रबंधन एक जरूरी कदम है। गुजरात की अर्धशुष्क जमीन को पानी की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर सिंचाई कार्यक्रम छोटी बड़ी नदियों पर बांध बनाकर नहर परियोजनाओं के द्वारा किया जा रहा है। ये छोटे बड़े जलाशय बारिश के नहीं होने पर भी जल स्रोत का काम करते हैं। जिन इलाकों में 8-10 साल पहले धूल उड़ा करती थी, वहां अब हरियाली है, फसल है और फसल के साथ जनजातीय विकास की नई व निश्चित संभावनाएं हैं। ऐसे इलाकों में छोटे स्तर पर अर्ध शुष्क नदी नालों में चेक डैम भी काफी संख्या में बनाए गए हैं। स्थानीय तौर पर उपलब्ध ये जल भंडार पीने के पानी से लेकर सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पानी के समुचित उपयोग के लिए जरूरी जल प्रबंधन में आदिवासी किसानों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये तकनीक उनके लिए नई है और इसके नए नए प्रयोग के बारे में उनका उत्साह बढ़ाना जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। सरकार अपने कार्यक्रमों द्वारा कृषि और बागवानी को इन इलाकों में काफी बढ़ावा दे रही है।
इसके लिए न सिर्फ किसानों की आर्थिक मदद की जा रही है बल्कि उन्हें नई तकनीकों से भी अवगत कराया जा रहा है। टपक पद्धति द्वारा अच्छी से अच्छी फसल उगाने का कार्यक्रम चल रहा है और इसके परिणाम भी काफी सुखद साबित हो रहे हैं। अच्छी पैदावार मिलनी शुरू हो गई है जिससे इनकी आय में काफी वृद्धि हुई है और इसका असर इनकी जीवन शैली में आए बदलाव से साफ झलकता है। टपक पद्धति का इस्तेमाल गन्ने जैसी नकदी फसल में भी होने लगा है। एक हेक्टेयर की सिंचाई के लिए करीब 60,000 रुपए की लागत आती है जिसमें 25,000 रुपए का सरकारी अनुदान मिलता है और स्थानीय सहकारी बैंकों से आसान शर्तों पर ऋण भी उपलब्ध है। इस तकनीक से सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और फसल भी ज्यादा अच्छी होती है। न सिर्फ कृषि विपणन के लिए बल्कि जीवन की आधारभूत सुविधाओं में सड़क का होना बहुत जरूरी है। इन आदिवासी इलाकों में गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली सड़कें ग्रामीण परिवहन का भार ढोने में काफी सक्षम है। आदिवासी जनजीवन में प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का उदाहरण स्पष्ट दिखता है। उनके घर यूं ही जंगलों और पेड़ों के बीच अपनी विशिष्ट वास्तु शैली के साथ इस तरह रचे गुथे होते हैं जैसे वे उन्हीं का हिस्सा हों। और जब आवासीय अनुदानों के तहत सहायता उपलब्ध हो तो घर और भी ज्यादा सुविधाजनक और रहने योग्य बनाया जा सकता है। इन अनुदानों की खास बात यह है कि इनके तहत आदिवासियों को कोई पहले से बनाया हुआ डिजाइन अपनाने पर मजबूर नहीं किया जाता बल्कि उनको अपनी वास्तुशिल्प और सामग्रियां इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आदिवासी जीवन बहुत ज्यादा जटिल व्यवहारों से भरा हुआ नहीं है लेकिन उनकी सरलता को सुविधा और सौंदर्य का आधार तो चाहिए ही। पेड़ पौधे और पशु ये सब उनके जीवन के अभिन्न अंग हैं और ये सब मिलजुल कर से अस्तित्व बनाए रखते हैं। विकास कार्यों से लाभान्वित एक आदिवासी के घरेलू वातावरण में आए परिवर्तन से इस बदलाव को समझा जा सकता है। जीवन स्तर के सुधार के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत ढूंढने और उन्हें क्रियान्वित करने के प्रयास आदिवासियों के बीच किए जा रहे हैं। हस्तकला में दक्ष आदिवासी महिलाएं कालीन बुनने का काम करती हैं। गुजरात की आदिवासी लोक कला काफी समृद्ध है। पहले जो कला दृष्टि जीवन और सौंदर्य को साथ जोड़कर चलती थी वो अब जीवन यापन का साधन बन गई है। बड़ोदरा जिले के छोटा उदयपुर इलाके में राठवा जनजाति द्वारा दीवारों पर उकेरे जाने वाले चित्र अब कैनवास पर आ गए हैं। इस शैली के चित्रों की कीमत बाजार में 400-500 से लेकर 8-10 हजार तक भी हो सकती है। लकड़ी का काम भी इस इलाके में काफी दक्षता से होता है। इनकी कल्पनाशीलता में दृश्यों का वो संसार है जिसमें सिर्फ न उनकी सोच और समझ बल्कि एक सटीक टिप्पणी भी शामिल है। राठवा समुदाय में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले मोती के काम में इनके सौंदर्य बोध का एक अलग ही रंग दिखता है। वैसे इस काम की बाजार में अच्छी कीमत भी मिल जाती है। मिट्टी के बर्तनों की गुणवत्ता बढ़ाने की कला भी इन आदिवासियों के पास है। लाख के लेप का इस्तेमाल कर ये बर्तन खाना पकाने के लिए ज्यादा किफायती बना दिए जाते हैं। विकासोन्मुख योजनाओं के तहत हस्तकरघा उद्योग को भी काफी बढ़ावा मिला है। रंग और रंग योजनाओं में जनजातीय चेतना अपने जीवन में घुले मिले हर्ष और उल्लास को अभिव्यक्त करती है। जीवन के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ी हुई कला जब रोजगार बन जाती है तो उसे एक व्यवस्था की भी जरूरत होती है बाजार में जाने टिके रहने और उत्पाद के विपणन के लिए। विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों पर काम करने वाले इन आदिवासियों की एक अपनी सहकारी समिति है जिसमें वे आपस में मिल बैठकर वस्तुओं की कीमत और विपणन के तरीके तय करते हैं। बड़ोदरा की स्वयंसेवी संस्था भाषा की मदद से ये लोग दूर दराज के शहरों में पहुंचने में सफल रहे हैं। ट्राइफेड द्वारा संचालित ट्राइब शॉप में इनकी कलाकृतियां उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से ऐसे प्रयासों से इन आदिवासी कलाकारों को आर्थिक लाभ भी मिला है। सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में शिक्षित प्रशिक्षित महिलाओं की भूमिका
काफी महत्वपूर्ण है। आदिवासी क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए जा रहे आवासीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहलकदमी है। खासकर लड़कियों के लिए ऐसे स्कूल शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का भी ध्यान रखते हैं। ये एक ऐसा अवसर है जिसमें आदिवासी लड़कियां अपने मानसिक विकास के साथ साथ बाकी क्षमताएं भी बढ़ा सकती हैं। ट्राइबल सब प्लान के तहत कई व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनमें आदिवासी लड़के लड़कियों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे टाइपिंग, सिलाई, रेडियो, टेलीविजन और डीजल पंपों की मरम्मत आदि प्रमुख हैं। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक छात्र को 10,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर स्वावलंबी बन सके। इन ग्रामीण परियोजनाओं में कम ब्याज पर ऋण देकर विभिन्न व्यवसायों को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इन ऋणों का इस्तेमाल आवश्यक सुविधाओं के क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए समृद्धि के साथ साथ ऋण अदायगी भी सुनिश्चित है। किराने की इस दुकान के लिए ऋण सरकारी योजना के तहत दिया गया। कुछ लोगों ने ऋण लेकर साइकिलें खरीदी और उन्हें किराए पर देने का रोजगार शुरू किया। आदिवासियों को दी जा रही ऋण सुविधा का एक बड़ा हिस्सा पशुधन के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नतीजे के तौर पर यहाँ अच्छी नस्लों की गायें और भैंसें दिखने लगी हैं और दूध के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। ये अतिरिक्त दूध ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा गांव में ही खरीद लिया जाता है। दुग्ध उत्पादन से आदिवासी इलाकों में एक निश्चित आय का एक नया स्रोत खुल गया है और इसका लाभ भी जाहिर तौर पर दिखने लगा है। आदिवासी इलाकों में फैले हुए ये दुग्ध संग्रहण केंद्र अब दूध की जांच के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे इन आदिवासियों को अपने उत्पाद का सही दाम मिल सके। आदिवासी समाज में बहुआयामी विकास कार्य को आगे बढ़ाने में
ट्राइफेड पर एक महत्वपूर्ण व विशिष्ट भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व है और ये दायित्व है आदिवासी उत्पाद के लिए विपणन की व्यवस्था का विकास। ट्राइफेड अतिरिक्त कृषि उपज एवं लघु वन उत्पाद दोनों के विपणन का काम करती है। प्रकृति से जो कुछ भी मिलता है उसे बाजार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ट्राइफेड की है और इस प्रक्रिया में लाभान्वित होते हैं आदिवासी, जिन्हें अपने प्रयास का सही दाम मिल जाता है। लेकिन आदिवासी उत्पाद चाहे वो कृषि के हों या वन उपज के, उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई तकनीक और जानकारियों को आदिवासियों तक पहुंचाना जरूरी है। राज्य सरकार के साथ मिलकर अच्छे कृषि उत्पाद के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आदिवासी किसानों के लिए चलाए जाते हैं, ताकि वो फसल की उन्नत किस्में उगा सकें और प्रति एकड़ उपज भी बढ़ा सकें। राज्य के आदिवासी इलाकों में ऐसे 17 प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं, जो साल में औसतन 20,000 आदिवासी किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। आदिवासी उत्पादों के विपणन के लिए ट्राइफेड खरीद, संग्रहण एवं विपणन तीनों स्तरों पर कार्य करती है। स्थानीय सहकारी समितियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ गुजरात वन विकास निगम के साथ मिलकर भी खरीद का अभियान चलाया जाता है। वन विभाग की गाड़ियां गांव-गांव जाकर सीधे तौर पर खरीद का काम करती हैं। स्थानीय हाट बाजार आदिवासी अर्थतंत्र का केंद्र है, जहां आदिवासी अपने कृषि वन उपज एवं अन्य वस्तुओं को लाकर बेचते हैं और उनसे प्राप्त नगद राशि से अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। इस तरह आदिवासी उत्पाद के एक निश्चित स्रोत के रूप में भी ये हाट बाजार आदिवासी इलाके में फैले हुए हैं। स्थानीय निकायों की मदद से ट्राइफेड इन हाट बाजारों से भी खरीद फरोख्त का काम करती है। इससे आदिवासियों को लाभ ये होता है कि एक तो वे धोखेबाज व्यापारियों के चंगुल में फंसने से बच जाते हैं और साथ ही साथ सही वजन पर तौले गए अपने उत्पाद की उन्हें वाजिब कीमत भी मिल जाती है। दृश्य में दिख रहे उत्पादों में सरपंखों, मागरा भृंगराज, कड़वा डोरी आदि वनोपज शामिल हैं। बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त के लिए सहकारी समितियों द्वारा चलाई गई मंडियां भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन मंडियों में स्थानीय व्यापारी उत्पाद का दाम बोली लगाकर तय करते हैं और नीलामी के आधार पर सामानों की खरीदारी होती है। इस प्रक्रिया में ट्राइफेड भी शामिल होता है और अपनी जरूरत के उत्पादों की खरीदारी करता है। मंडी के निकट बने गोदामों में ये आदिवासी अपनी संग्रहित वस्तुओं को जमा करते हैं और बाजार मूल्य के बराबर कीमत पाते हैं। ट्राइफेड द्वारा खरीदे गए उत्पाद बाद में बड़े गोदामों में जमा किए जाते हैं। ट्राइफेड का एक उत्तरदायित्व तो ये भी है कि वो ग्रामीण स्तर से अतिरिक्त कृषि उत्पाद और लघु वन उत्पाद को जमा करके इनके विपणन का भी काम करती है। ऐसे संग्रहों में काफी विविध प्रकार की चीजें जमा होती हैं, जैसे कि चरपंखों, मागरा भृंगराज, गोरख मुंडी, करवा डोड़ी, मांडिंग, काउचा, नागौर पान, मामे जबा, बेला गरब, सरपंखा, गरमाला सिंह, धावड़ा, गम कराया, पुवा का बीज,
इमली, महुआ और बेर आदि। गुजरात के जनजातीय इलाकों में लगभग 8.5 लाख मेट्रिक टन कृषि उत्पाद की संभावनाएं हैं। करीब 2.5 लाख मेट्रिक टन वन उपज हो सकने की संभावना है। फसल उत्पादन एवं बाजार भाव में आने वाली वृद्धि या गिरावट को ध्यान में रखें तो पिछले 5-6 सालों में करीब 90 करोड़ से अधिक की खरीद हुई है और करीब 90.5 करोड़ की बिक्री हुई है। ट्राइफेड द्वारा संग्रहित वन और कृषि उपज का विपणन बाजार के हिसाब से बोली लगाकर या टेंडर निकालकर किया जाता है। ट्राइफेड की तरफ से ऐसी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं जिसमें ग्रामवासी जरूरत पड़ने पर अनाज उधार ले सकते हैं और इस उधार को आसान किस्तों पर वापस किया जा सकता है। कम उपज वाले इलाकों में ऐसी सुविधाएं काफी जीवनोपयोगी साबित हो रही हैं। ट्राइफेड इन ग्रामीण कलाकारों के द्वारा बनाई हुई कलाकृतियों के खरीद फरोख्त के लिए एक अच्छा बाजार बनाने के लिए भी कटिबद्ध है। ट्राइब शॉप के तहत ऐसी कलाकृतियां बाजार में पहुंच रही हैं और नतीजे के तौर पर कलाकारों को अच्छा काम भी मिल रहा है। आदिवासी जीवन अपनी उन्नति की राह पर तो जा रहा है लेकिन उसे एक निश्चित दिशा निर्देश की जरूरत है। सिर्फ बाजार की जरूरतों और सीमित उपलब्धियों से उनके जीवन का बदलाव पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं होता। इसलिए आवश्यक है कि जनजातीय विकास के कुछ अच्छे उदाहरण देखने के साथ साथ ऐसे प्रयास बड़े पैमाने पर फैला जाए और ये शायद आदिवासियों के जीवन में एक ऐसा बदलाव लाने में सफल होगा जो देखा और समझा जा सकता है।